जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम पृष्ठ संख्या 227 आरंभ कर रहे हैं। बिहसे अप भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोहरे तोहरो धनुष ब्याह अब गाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर वो बहुत हंसे और उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को विवाह ही कौन कर सकता है। अब इसमें जो अभिमानी राजा थे, उनका सीता के प्रति इस प्रकार का लोभावना था, लोभ था, जो वो कह रहे थे कि इस सुंदर स्त्री को हम सहज ही हाथ से तो जाने दे नहीं सकते, यदि धनुष तोड़ा तो भी और यदि धनुष नहीं तोड़ा तो भी, दोनों ही तरीके से हम इसे जाने नहीं देंगे। और यदि धनुष नहीं तोड़ पाए तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उन्हें सीता जी को ऐसे ब्याह करने दें। एक बार कालम किन हो सिय हित समर जी, तब हम सो यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। या घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सीता का सौंदर्य था ही ऐसा कि आपको बताया गया है किस प्रकार का था, तो उसको पाने के लिए जो धूर्त राजा थे वो काल को भी हराने के लिए प्रतिज्ञा हो गए थे और राम और लक्ष्मण को एक साधारण मनुष्य समझकर इस प्रकार का अपना अभिमान अपना घमंड दिखा रहे हैं। लेकिन जो सयाने जो धर्मात्म राजा थे जो हरिभक्त थे, वो उनकी इस प्रकार की विचित्र बात सुनकर मुस्कुराए। कोई भी मुस्कुराएगा कि तू जानता नहीं कि वो कौन है। दोहा है, सिय ब्याह भी राम गर्भ दूरी करी निप्रहन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण के बाके पुत्र को युद्ध में जीत तो जीत ही कौन सकता है। अब इसमें बताया गया है कि वो जो धर्मशील राजा थे वो ये सोच रहे थे कि इस युद्ध धनुष को श्री राम तोड़ ही लेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और इनसे युद्ध किया गया तो दशरथ जी के रण बांकुड़े, यानी कि रण में सबसे विजयी होने वाले को कौन हरा सकता है। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मुकोदह कन्ही की भूख बुताई, सीख हमारी सुन परम सुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत लड़ो, मत मरो, लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है, लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है, यानी कि आप कितनी भी अपने आप को बोल लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कितना भी अपना सामर्थ्य दिखा लीजिए, लेकिन क्या हरि के सामने आपका कोई सामर्थ्य चल पाएगा। उसी प्रकार से लड्डू आप कितना भी खा लीजिए, आपकी भूख नहीं मिटेगी, आपकी तृप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड्डू थोड़ा ही खाने के बाद आपका मन भर जाएगा किंतु पेट नहीं भरेगा। पेट हमारा जो भोजन है उसी से भरता है। तो इस प्रकार के वक्तव्य कहना है वो धर्मात्म कि हम परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा छोड़ दीजिए। यह आडंबर रचा गया है मनुष्य जन्म में जीवन में आने के लिए श्री हरि और जगदम्बा द्वारा, ये एक आडंबर रचा गया है। तो इस आडंबर के हम केवल मात्र पात्र हैं, वो धर्मात्म राजा जो है वो इस प्रकार से कह रहे हैं, समझाना चाहते हैं उन धूर्त राजाओं को, तो हम केवल मात्र इसके एक पात्र हैं। जगत जननी जगदम्ब स्वरूपा को आप अपनी पत्नी के रूप में मत स्वीकार करें मन से, और उन्हें पाने की लालसा तो छोड़ ही दें। जगत पिता रघुपति बिचारी भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर बासी। और रघुनाथ जी के जगत पिता परमेश्वर विचारक नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों को राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नेत्रों के सामने है। जो त्रिभुवन के महादेवों के देव महादेव है वो अपने हृदय में इन दोनों को छुपाए रखते हैं, वो आज तुम्हारे समक्ष है। तो धूर्त राजाओं, तुम इन्हें नेत्र भर के देखकर अपना लाभ उठाओ, अपने जीवन को सार्थक करो, ना कि इनसे युद्ध करने की तथा जगत जननी को प्राप्त करने की, पत्नी के रूप में प्राप्त करने की तुच्छ इच्छाओं को रखो। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई, करहु जाय जा कहु जो भावा, हम जो आज जन्म फल पावा। समीप आए हैं
अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी को जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशारूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। जिसको अच्छा लगे वह जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र के दर्शन करके आज जन्म को फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। अब इसमें देखिए इस प्रकार से बताया गया है कि आप एक मृत जल, आप एक छलावा में जी रहे हैं, क्या आप इनसे युद्ध कर सकते हैं? परम पिता परमेश्वर से आप युद्ध कर सकते हैं और सीता जी को उनसे छीन सकते हैं, या सीता जी आपकी पत्नी के रूप में आएगी। ये मृग छलावा है आपका और कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि समझाया जा सकता है, आपके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता कि आप इस चीज को स्वीकार कीजिए। तो आपके पास केवल समझाने और तर्क करने की क्षमता है। तो हमने अपने तर्कों से आपको समझाने का अभ्यास किया है, उसके बाद आपका कर्म। लेकिन हमने तो अपना जीवन धन्य कर लिया है, जन्म जन्म को धन्य कर लिया है प्रभु श्री राम और सीता जी के दर्शन पाकर। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बारस ही सुमन करही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखकर मनुष्य को की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। दोहा है, जानी सु अवसर सिय तब पठाई, जनक बुलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सु अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा, सब चतुर और सुंदर सखिया आदर पूर्वक उन्हें लिवाने चली गई। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लघु लागी, प्राकृतिक नारी अंग अनुरागी। अब देखिए हमारी सीता जी आ चुकी है उस धनुष यज्ञ के जो मंडप तैयार किया गया है उसमें। अब उनकी सुंदरता का बखान देखिए, वो साधारण रूप में ही इतनी सुंदर लग रही हैं। तो सोचिए जब उनका स्वयंवर एक तरह से हो रहा है तो उनमें उन्हें सजाया गया होगा। अब सजाने के बाद उनकी सुंदरता का देखिए किस प्रकार वर्णन किया गया है कि रूप और गुण की खान जगत जननी जानकी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे काव्य भी सब उपमा तुच्छ लगती है। जो कविताएं हैं, जो काव्य है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें जो सुंदरता का बखान किया गया है वो भी उनकी सुंदरता के सामने तुच्छ लग रहा है। क्योंकि वे लोकिक स्त्रियों के अंगों के अनुराग रखने वाली, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमा सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वस्वरूप शक्ति जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना होगा, अपने को उपहासपद बनाना होगा। अब देखिए जो काव्य संरचनाएं उस समय में की गई थी वो इस जगत की स्त्रियों के अंगों के लिए की गई थी, जो कि शक्ति स्वरूपा के साथ मेल बिल्कुल नहीं कर रही है। यदि साधारण स्त्रियों की तुलना इनके साथ अगर की जाए तो सीता जी की बड़ाई की अपमान होगा, और जो इसकी तुलना करेगा वो भी हास्यपद होगा, मजाक होगा एक तरह से कि आप किससे तुलना कर रहे हैं, ये तो शक्ति स्वरूपा है। सिय वरणी वरनिया ते उपमा देई, कु कवि कहाय अजसु कोली, जो पट तारी अतिय सम सिया जग असि जूवती कहा कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कु कवि कहकर अपने यश का भागी बनेगा, अपयश का भागी बनेगा। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करके सुकवि के पद से च्युत होना अब कीर्ति मोल लेना चाहेगा। कोई भी सुकवि ऐसे नादानी अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी युवती ही कहाँ है जिसके साथ उनकी उपमा दी जा सके। मतलब उनका मंगल ही मंगल है, उनके शरीर का हर एक अंग मंगलमय है। तो किसी से भी तुलना करना एक कवि के लिए बहुत ही अपकीर्ति की बात हो जाएगी, अपयश की बात हो जाएगी। गिरा मुखर तन अधर भवानी, रति अति दुखित अतनु पंति जानी, बिस बारुनी बंधु प्रिय जेही कहे रमासम किम बेदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उसमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है अर्थात अर्धनारी नटवेश्वर के रूप में, और उसका आधा अंग स्त्री तथा शेष अंग पुरुष जो कि शिव है। कामदेव की स्त्री यदि रतिपति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती, और जिनके विष को मद जैसे समुद्र में होने के नाते प्रिय भाई है उन लक्ष्मी के समान, तो जानकी जी को कहा कैसे ही जाए। मतलब ये बताया गया है कि
पृथ्वी की स्त्रियां तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, कोई उनकी उपमा नहीं दे सकता। यदि ऐसा करता है तो वो अपयश का भागी बनता है। यदि हम देवताओं की स्त्रियों के लिए तो सरस्वती उसमें बहुत बोलने वाली है, हमारी सीता शांत स्वभाव की है। माँ जगदम्बा अर्थात माँ शक्ति स्वरूपा वो अर्धनारेश्वर है, यानी कि उनका आधा शरीर स्त्री का तथा आधा शरीर पुरुष का है। और रति जो है वो तो बिना अपने पुरुष के, बिना मतलब कामदेव के, शक्तिहीन शीलहीन दिखती है, कांतिहीन दिखती है। और जो समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, समुद्र से उत्पन्न होने के नाते विष और मद जैसे प्रिय भाई है, उनके उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। समुद्र से उत्पन्न हुई है लक्ष्मी जी, जो कि विष और खारापन का संयोजन होता है, तो हमारी सीता को उनके बराबर भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनका तो रूप एक मिठास, एक जो सौम्यता है वो है इनके अंदर, तो कैसे किया जाए। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 227 और 228 हमने पूर्ण कर ली है।